हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा एप्सन प्रिंटर जो फोटोकॉपी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा एप्सन का फोटोकॉपी करने का सॉल्यूशन क्या है, उससे जल्दी फोटोकॉपी कैसे करें। वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मेरे पास आज एप्सन का प्रिंटर है, L3150 है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा हुआ 3150। मैं यहाँ से दोस्तों इसको ऑन करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा दोनों तरह का कॉपी स्लो कैसे करता है और तेज़ कैसे करता है। अभी दोस्तों ये प्रिंटर हमारा रेडी हो रहा है, प्लीज़ वेट। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेपर लगा दिया है और दोस्तों हमारा प्रिंटर जो है रेडी होने वाला है। अभी थोड़ा टाइम लेता है, ये जो वाईफाई होता है इस प्रिंटर में ये थोड़ा टाइम लेता है, इंस्टॉलाइज हो रहा है अभी। तो दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है ये रेडी हो गया है और मैं यहाँ से इसमें अभी एक पेपर लगा देता हूँ। ये दोस्तों अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने इसमें एक पेपर लगा दिया है और ये मेरे को पल्ली साइड से करना है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो मेरा प्रिंटर भी है, जो वो ग्रीन सिग्नल है वो रुक गया है, प्रिंटर रेडी है और मैं यहाँ से इसको ब्लैक कॉपी करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना टाइम लेगा एक ब्लैक फ़ोटो कॉपी करने में। ये आप देख सकते हो इसने पेपर ले लिया है। आप दोस्तों टाइम भी लगा सकते हो, देखो अभी ये टाइम ले रहा है इतना, ठीक है। अभी मैं दिखाऊँगा इससे भी फास्ट फ़ोटो कॉपी कैसे करता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये फ़ोटो कॉपी कर दिया है। अब दोस्तों हम दोबारा से फ़ोटो कॉपी करते हैं। दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, ये जो पैनल दिया गया हुआ है आपको ये ब्लैक कॉपी और ये स्टॉप वाला बटन है, आपको एक साथ दोनों को प्रेस करना है। मैंने कर देता हूं, ये मैंने कर दिया और आप देख सकते हो दोस्तों इसकी फ़ोटो कॉपी की स्पीड देखो, आप देखो कितना फास्ट हो गया है। तो इसी तरीके से मैं एक बार और समझ देता हूँ दोस्तों आपको। ये हमारा प्रिंटर है, पेपर लगा हुआ है इसमें, इधर भी और इधर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ से क्या करना है, ये ब्लैक कॉपी वाला बटन दबाना है और दोस्तों स्टॉप वाला बटन दबाना है, एक साथ दोनों को प्रेस करना है। अगर हम सिंगल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड से कॉपी करना है। तो आप इसी तरीके से कॉपी कर सकते हो, बस बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। एप्सन सभी मॉडल में काम करेगा दोस्तों, जितने भी एप्सन का मॉडल है सभी में काम करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से ब्लैक कॉपी वाला और ये स्टॉप वाला बटन एक साथ दोनों को प्रेस करना है। देखो मैं एक साथ ऐसे कर देता हूँ, ये मैंने किया और आप देख सकते हो इसका पेपर लेने का और छपाई करने का कितना स्पीड है दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही फास्ट फोटो कॉपी किया है इसने। और आप भी इसी तरीके से कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसी भी एकदम ओके प्रिंट है बिल्कुल, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।